हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही फैशन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बचे हुए चावल और रोटी का नाश्ता। देखिए, मैंने चावल को पहले से फोड़ के रखा हुआ है और जो रोटी थी उसे मिक्सर में टुकड़े करके मैंने पीस लिया है। तो आप अपने हिसाब से इसका चूरा कर सकते हो, थोड़ा बारीक या फिर मोटा भी आप रख सकते हो। तो अभी मैंने जो कट करके रखा हुआ है प्याज, हरी मिर्ची, सांभार, आलू एंड टमाटर। आप चाहे तो इसमें शेंगदाना भी डाल सकते हो अगर आपको टेस्ट के लिए चाहिए तो, अदरवाइज़ नहीं भी डाल सकते हो। तो मैंने शेंगदाना यूज़ नहीं किया है। तेल गरम हो चुका है, इसमें मैंने डाला है राई, जीरा, तो इसे मैं अच्छे तरीके से तड़कने दूंगी। देन इसके बाद मैं डालूंगी जो कट किया हुआ अपना कट किया हुआ है वो प्याज। तो अभी मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्ची। आप भी फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई करना, बिकॉज़ ये बहुत टेस्टी बनता है। रात को जो चावल और रोटी बचा होता है उसे हम सुबह नाश्ते के लिए अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो देखिए, अभी इसमें हमने प्याज को भी डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक का भूंजेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए, अब इसमें हम आलू भी डाल देंगे ना, आलू डाल के उसे पकाएंगे थोड़ा सा। तो देखिए, अभी मैं आलू भी डाल रही हूँ और आलू डाल के इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने के लिए और थोड़ा हेल्दी भी होता है। मतलब ये कैसे इसे नाश्ता भी कर लो, तो मतलब ब्रंच भी बोल सकते हैं, बट ये नाश्ता के लिए बहुत अच्छा है। मतलब पेट भर जाता है आराम से और आप सब लोग खा लेते हैं अच्छे तरीके से। तो अभी मैं इसमें नमक मिक्स कर रही हूँ, तो आलू भी पक जाएगा इसीलिए। तो मैंने पहले नमक डाल दिया इसमें, अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा देर ढक के पकाएंगे ताकि आलू अच्छी तरीके से पक जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, अब आलू पक चुका है, आलू पक गया है। तो इसमें हम मिक्स करेंगे मसाले। तो चेक कर रही हूँ मैं कि आलू पक चुका है या नहीं। तो आलू अच्छे तरीके से पक चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी। बेसिक मसाले हैं सिर्फ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर, और टमाटर को पूरा गलाना नहीं है, आधा कच्चा और पक्का ऐसा रख के रखना है। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए, अब हमारा मसाला किस तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम इसमें मिक्स करेंगे रोटी का चूरा। मसाला अभी अच्छी तरीके से पूरा पक चुका है और देखिए इसका ऑयल वगैरह भी कितना कलर छोड़ रहा है। तो अभी हम इसमें मिक्स करेंगे रोटी का चूरा। तो पहले हम मिक्स करेंगे रोटी का चूरा, पहले हम चावल नहीं डालेंगे, पहले रोटी का चूरा हम मिक्स करेंगे, क्योंकि इससे कैसा है, ऑयल भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और सारे मसाले भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो पहले हमने डाला रोटी का चूरा एंड फिर हम डाल रहे हैं इसमें चावल। तो इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। और तेल इसमें हल्का सा थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें रोटी डली हुई है इसीलिए। तो अभी हम लास्ट में डालेंगे इसमें शक्कर। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बनता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए, अब इसे मिक्स करके अब इसमें हम डाल दिए हरा धनिया, अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि ये कैसा बना था और आपको कैसा लगा टेस्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय साई राम। अपना ध्यान रखिए और अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए।